साधु हम चर्चा करेंगे, बैठो। कल की एक साधु की अर्जी डली हुई थी उधार, और कल से ही वो इंतजार में बैठे हैं, आ जाएं। कल जिन्होंने कहा था मन ही मन में सन्यासी बाबा से कि अगर बालाजी सच के हों सन्यासी बाबा तो हमारी अर्जी सुन लें, बाबा कल ही सुन ली थी, आ जाओ। मंच है, आओ जंग लड़ो। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी सरकार की। विराज माइक लो बाबा। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? बीकानेर, राजस्थान। कितने दिन से हैं बाबा? मेरे लिए बाबा जी पता नहीं, सोमवार का दस पंद्रह दिन। हाँ बोलो, क्या अर्जी है बालाजी के चरणों में? आपको पता है मैं क्या करूं? शरीर में पीड़ा बनती है, पूरे शरीर में दिक्कत बनती है, बीच बीच में दिमाग बंद जाता है, लोग पीछे लगे हुए हैं, घेरना चाहते हैं। सही बात है, घेरना चाहते हैं, विवाद में फंसाना चाहते हैं। एक बार बीच में भी ब्लैकमेल कर चुके, एक बार बीच में ब्लैकमेल कर चुके, वर्तमान में फिर से स्थिति बन रही थी तो वहां से स्थान छोड़ करके बदलने का विचार है, लेकिन संपत्ति बहुत है इसलिए मन में विचार है कि करें क्या, गुरु स्थान को छोड़ें कि अपने आप को छोड़ दें। ऐसी अर्जी तुमने बालाजी के चरणों में लगाई है। ठीक है बाबा जी, सही है, सत्य यही है। आए यही बाबा जी। महात्मा जी बुरा मत मानिएगा, थोड़ी सी कमियां आपकी भी हैं, आपने भी अपने स्थिति में बहुत उपद्रव किए। आप हमारे साधु हैं, साधु हमारा गौरव है। अब जो बीत गई सो बीत गई, अब साधु साही जीवन जीना आप प्रारंभ कर दो। वे आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए, हम बालाजी के चरणन में जब प्रार्थना कर रहे हो ऐसी सेना भेज दे। ठीक बाबा जी, जय श्री राम। लेकिन साधु साही, साधु की रहनी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, हमारी भाषा समझ गए होगे, क्योंकि संतों का इस मंच से बड़ा सम्मान है। क्या है कि लंगोट मजबूत हो, जिसका लंगोट मजबूत हो, मुट्ठी कड़क हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। मुट्ठी कड़क हो मसक दो नकुआ में सो सारो फट जाए एक बीर में, लंगोट मजबूत हो तो किसी की क्षमता नहीं क्या उंगली उठा दे। ये दुश्मन तो लगे ही रहते हैं पीछे, पर दो चीजों पर मजबूती बनाए रखो। लेकिन आज से तुम्हारे साथ सन्यासी बाबा हैं। जय 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 श्री राम। बाबा कवच देना है हमें, एक आदेश आ गया है लेकिन हम अभी नहीं देंगे, और जैसे ही आदेश हमें गुरु जी पुनः सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे हम बुला के आप हम दे देवी। आज से रोने नहीं, अकेले में बहुत रोते हो आप, अब रोना नहीं है आज से। ठीक बाबा, आज से रोना नहीं, आज से मुस्कुराना है। साधु तो मुस्कुराता है। ठीक बाबा जी।